बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर के हवाले से कि ये पोल मतलब कैसे पता चलता है और ये बेसिकली इसमें डिन रेल, ये बेसिकली डिन रेल होती है, इसमें कैसे फिट किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये अब जब आप ब्रेकर पीछे इसको मोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसके आपको पास हुक नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं ऊपर भी हुक हैं और ये नीचे भी हुक हैं। इसमें क्या करना है, हुक कह लें या इसके क्लिप कह लें, इसको पीछे खोलेंगे पहले आप, ये देखें इस तरीके से पीछे खोलेंगे, इसको भी इस तरीके से आप पीछे खोलेंगे। ये थोड़ा सा जाम हो गया, अगर ये फंस जाए तो आप इसको इस तरीके से खोलें। अब इसने ये जो इसके जॉज टाइप के बने हुए हैं इसको आपने यूँ करके ये फिक्स करना है अब इस तरीके से। अब ऊपर से आप ये इसको क्लिक कर देंगे और ये इस तरीके से आप ऊपर कर देंगे तो ये आपका बेसिकली ये फिक्स हो गया। तो ये तो इसको फिक्स करने की बात थी। अब इसमें क्या डबल पोल, सिंगल पोल, ट्रिपल पोल क्यों इसको कहते हैं, ये देखें इसमें एक ही पॉइंट है, एक ही टर्मिनल है, यहाँ से फेज़ लगाएंगे आप और यहाँ से आउटगोइंग ले लेंगे आप किसी भी सप्लाई में, बल्ब में या कुछ भी लगा लें। यहाँ इसमें सिर्फ एक फेज़ लग सकता है, या न्यूट्रल लगाना चाहे न्यूट्रल लग सकता है, मगर एक तार लग सकता है। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, इसमें फेज़ और न्यूट्रल दोनों लगा सकते हैं क्योंकि इसमें देखें दो टर्मिनल है। ये स्क्रू आप खोलेंगे, यहाँ पे बेसिकली आप जो है टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, यानी कि कोई सभी जो भी आप सप्लाई देंगे वो बेसिकली इधर कनेक्ट करेंगे, आउटगोइंग यहाँ से यानी कि लोड जो है आप यहाँ से निकालेंगे। इसी तरीके से अगर मैं थ्री पोल सर्किट ब्रेकर में आऊँ तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे, कैसे, यहाँ से स्क्रू को आप लूज़ करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे वायर क्या कहते हैं लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से आप आउटगोइंग ले लेंगे या यहाँ पे आप इसकी सप्लाई लगा देंगे। अब इनके कोई ऊपर शॉर्ट सर्किट होता है या करंट ज़्यादा जाता है, अच्छा इसकी लिमिट भी बता दूँ मैं आपको, ये भी 10 एम्पेयर का है, ये भी 10 एम्पेयर का है, ये एक फेज़ में 10 एम्पेयर गुजर सकता है, सही है। और ये बेसिकली हमारे पास जो है लगा हुआ है 32 एम्पेयर का है, इसमें आप 32 एम्पेयर तक सर्किट ब्रेकर पर लोड डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इधर यहाँ इसके आगे यानी कि कोई भी आपने बल्ब लगाया हुआ है, कोई भी चीज़ लगाई है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है या कोई लोड ऐसा लगा हुआ है जो 32 एम्पेयर से ज़्यादा लेता है, तो 32 एम्पेयर से ज़्यादा जब आप लोड लेकर जाएंगे इसमें तो ये क्या करेगा, ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो जाएगा तो ये इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा और ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोड हटाएं इसको, दोबारा जाकर इसको इस तरीके से ऑन कर दें। सेम प्रोसीजर डबल पोल में भी होगा और सिंगल पोल में भी ऐसे ही होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ब्रेकर से मुख्तलिफ टाइप्स के, मुख्तलिफ पोल्स के, टाइप तो नहीं, मुख्तलिफ पोल के, उम्मीद है थोड़ी बहुत वैल्यू इसमें ऐड हुई होगी। थैंक यू।